काफ़ी एक परिवार के ही लोगों ने पीटा है और काफ़ी पीड़ित है, दर्द से परेशान है और इसके बदन से पूरे शरीर से लग रहा है कि मिट्टी लगी हुई है, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि काफ़ी इसको चहले में जो है रौंद कर मारा गया है, गिरा करके पीटा गया है। हम बात करते हैं इस महिला पीड़ित से, कैसे क्या हुआ है इनके साथ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? को मारी से? जेठ साहब मारी से। क्या नाम है जेठ क्या? जेठ नाम है श्रीपाल। श्रीपाल किसके लड़के हैं? उनके लड़का है ती। किसके लड़के हैं श्रीपाल? वो लड़का बच्चू क्या? बच्चू के कहाँ घर है उनका? बच्चू श्री हाय दुलामो। दुलामो कौन गांव में रहती हो तुम? हाँ गांव जोरी थे। कौन गांव में रहती हो? दुलामो। हाँ। अच्छा ये जो विवाद हुआ है किस बात को लेकर विवाद हुआ? कौन ही बात लेकर विवाद हुआ है? बात के साहेब भाव है कि साहेब सब ईटा साहेब सब धल रही और हमारे लड़का साहेब मुर्दार रहे, तो साहेब जब हमारे श्री साहेब घूमी तब हमारे लड़का जब ईटा ले जाए भवा तो साहेब हमका मारे लाग, मेरे लड़का मारे लाग, तो जब साहेब हम उठे दूरी खड़े रहन तो हमारे लड़का जब आप सब लड़का साहेब दौड़ी हैं अपने लड़का खाती, तो जब हम अपने लड़का ने खाती दौड़न तो साहेब जाने से कि महतारी हमारे लड़का मारा मारे लाग और साहेब हमारे लाठी मार दी तीन थोड़ी खपड़ी पर भाग ली साहेब चौंधा हम साहेब गिर पड़े। अच्छा अच्छा मतलब जेठ ने मारा? हाँ जेठ। अच्छा, साहेब तुम अकेले थी क्या? हाँ अकेले थी। हाँ जेठ मारिस। आपके पति का नाम रामलखन है? हाँ, रामलखन। आपका क्या नाम है? हाँ? तुम्हारा क्या नाम? हमारा नाम है राजकुमारी। राजकुमारी यादव हो? हाँ यादव। मतलब परिवार में ही जो है विवाद हुआ है? हाँ। परिवार वालों ने पीटा है? हाँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस महिला को परिवार वालों ने ही और जेठ ने काफी दबंगई और बर्बरता पूर्वक इसको पीटा है। हाँ, क्योंकि हाँ। इस कदर से पीटा है जिसके उसके बदन से और शरीर से प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में इसके साथ दबंगई और बर्बरता से इसको पीटा गया है और सिर में काफी चोट है। इसको पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस के द्वारा इनको रेवसा से लाया गया है जहां पर उनका मेडिकल कराया जा रहा है और पुलिस संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर रही है। आपके कौन है? माँ है। कैसे क्या हुआ, किससे हुआ विवाद? सर हमारे पटीदार ने हमको मारा। कौन पटीदार, क्या नाम? श्रीपाल। और किसके लड़के हैं? रामचंद्र। श्रीपाल बच्चू के। और श्रीपाल? श्रीपाल बच्चू के हैं। अच्छा अच्छा, काहे से मारपीट, किस बात को लेकर हुआ है विवाद? सर ये ईटा के बारे में, बंटवारा को लेकर। बंटवारा के सर वो है ज्यादा करा रहे, सब ज्यादा जट गए हैं तो वो जो पांजर रहे थे वो मानते ना मर है दम ले। अच्छा अच्छा, आज 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 का है इसने मार भर। आज सर ईटा बकरी पुरान पड़ी है तो उनके बनवाए लेकिन दमकर ज्यादा है तो वो जी का ज्यादा सताव ज्यादा सब के साथ पार बाकी होते हैं, हर चीज राहल बहुत है। आपके कौन लगते हैं? सब भाई लगते हैं। जिसने मारा है वो कौन है आपके? आपके वो कौन है? आप सर भाई लगते हैं। अच्छा, जो दवा है कि भाई? दवा है, दवा। जी मारिन है। हाँ। अच्छा, किस गांव का मामला है? कि दो आयरनपुरवा मजरा दुलामो। अच्छा, थाना कौन लगता है? रेवसा। थाने में सूचना दे दी? सर थाने से लाए। अच्छा, थाने में सूचना दे दी। हाँ। अच्छा, पुलिस ने कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई किया। आप संतुष्ट हैं उस कार्रवाई से? हाँ। अच्छा, दोनों पक्ष चोटिल हुए हैं कि अकेले? उनके धक्का ना लगा। अच्छा अच्छा, जैसा कि पीड़ित के द्वारा बताया गया कि जमीन के घर के बंटवारे ईंटे को लेकर के विवाद हुआ और इसकी माँ को राजकुमारी को बड़ी बर्बरता से और दबंगई से चहले में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। कुछ तस्वीरें कैद की गई हैं, आप देख सकते हैं, और इसको नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पूरे बदन में मिट्टी के निशान पाए जा रहे हैं, जैसा कि देखने से भी प्रतीत होता है कि वास्तव में जेठ ने काफ़ी बर्बरता की है इस अबला नारी पे, क्योंकि जैसा कि बताया भी जा रहा है कि जहां सरकार महिलाओं को काफ़ी संरक्षण देती है, उनकी सुरक्षा की बात करती है, लेकिन आज भी कुछ दबंग और अपनी बर्बरता से बाज नहीं आते हैं, कानून कायदों को नियम और ताक पर रख करके उसके बाद महिलाओं के साथ आज भी बर्बरता करते नजर आ रहे हैं। ये मामला थाना रेवसा क्षेत्र के ग्राम दुलामऊ मजरा अहिरपुरवा का।